हेलो, फार्मेसी नेट पर आपका स्वागत है। और इस चैनल का उद्देश्य ड्रग के बारे में अवेयरनेस लाना। कोरोना में आप लोग जो ड्रग खरीद के कर कुछ भी ले लेते हैं केमिकल, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है, तो हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए इस चैनल को चला रहे हैं। खाली आप लोग जो चीज़ ड्रग लेते हैं उसमें आपको पता रहे आप क्या ले रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरासीटामॉल से। पैरासीटामॉल, इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में 18 सेंचुरी में फेनेसेटिन करके एक ड्रग थी जो काफ़ी इस्तेमाल होती थी। फेनेसेटिन के मेटाबॉलिज्म के बाद ही पैरासीटामॉल बनती है। अब पैरासीटामॉल दुनिया की फर्स्ट ड्रग है, एनालिन डेरिवेटिव, जो बुखार में भी काम आती है और पेन रिलीफ भी है, मतलब दर्द को भी दूर करती है और बुखार में भी काम करती है। इससे पहले जो अदर ड्रग थी वो या तो बुखार के लिए बनती थी या पेन रिलीफ के लिए बनती थी। 1949 में USA ने सबसे पहले पैरासीटामॉल का इस्तेमाल किया, जूलियस अलेक्जेंड्रा ये साइंटिस्ट थे। पर पैरासीटामॉल को डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कराया, इन्होंने क्या किया, पैरासीटामॉल को एस्प्रिन कैफीन के साथ दिया कॉम्बिनेशन में USA। और उस टाइम पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे, तो USA को सभी लोग फॉलो करते थे, तो इसको भी फॉलो किया। बट पैरासीटामॉल 18 सेंचुरी तक आते आते एस्प्रिन का जो यूज़ था वो थोड़ा कम हो गया और पैरासीटामॉल उतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम होगी, सवाल होगा कि अगर हम पैरासीटामॉल ज़्यादा ले लेते ओवरडोज तब क्या होगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप पैरासीटामॉल 4 से 4.5 ग्राम आपकी बॉडी में चला जाता है तो लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर काम करना बंद कर देगा आपका। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट में से मेन साइड इफ़ेक्ट है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम करता है पैरासीटामॉल, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो एक प्रॉब्लम और भी है, विकिपीडिया कहता है पैरासीटामॉल 0.2 से 0.3 डिग्री टेम्परेचर आपकी बॉडी का कम कर सकता है। तो इसका मतलब बुखार में ना लें। हाँ, अगर आपको तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है, तो पैरासीटामॉल आपके किसी काम की नहीं। तो सवाल ये उठता है कि पैरासीटामॉल कब लें। पैरासीटामॉल हल्का बुखार, सिर दर्द, अगर आपकी नाक बह रही है और पेन हो रहा है बॉडी में तब लें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हल्का बुखार, सिर दर्द, सर्दी जुकाम हो, नाक बह रही हो और पेन हो बॉडी में तब लें। ठीक। अच्छा, यदि बुखार ज़्यादा हो तब आप आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनिक सोडियम प्रेफर कर सकते हैं। तो हल्का बुखार, सिर दर्द और पेन, हल्का पेन तब इस्तेमाल करें। पैरासीटामॉल बुखार को ठीक नहीं करती है, ये सिर्फ आपकी बॉडी के पेन को ठीक करती है। और एस्प्रिन, पैरासीटामॉल और कैफीन, इसका जब कॉम्बिनेशन दिया गया तो पैरासीटामॉल ने पेन ठीक किया, एस्प्रिन ने बुखार ठीक किया और कैफीन आपको अच्छी नींद लाई, इसलिए आप ठीक हुए। तो पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन में लें तो बेटर है। तो मुझे लगता है काफ़ी जानकारी हो गई। थैंक यू।